नमस्कार, देसी किचन चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कुलचे की रेसिपी और आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो कुलचे के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ली है हरी मिर्ची, 3 मीडियम साइज प्याज और इससे ये नींबू है, इससे आधा नींबू हम डालेंगे। और ये बटर है और ये लहसुन। लहसुन बहुत कम लोग डालते हैं पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कुलचे में। और ये है कुलचे। तो इधर हमने आलू उबालने रखे हुए हैं, तो कुकर में हमने ब्लैक चने उबालने रखे हैं। ब्लैक चने डालेंगे कुलचे में। तो मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ जी, प्याज और मिर्च की कटिंग हमने कर ली है, लहसुन की, और इसमें डालेंगे ये ब्लैक चने। ब्लैक चने डालेंगे और 3 लाल टमाटर इसमें काटेंगे और आलू को हम मैश करके इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर को काटेंगे। तो लीजिए, अब हमने रख दिया है बर्तन ऊपर और 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं हम। इसको होने देंगे गरम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो लहसुन थी ना हमने काट ली थी बारीक, उसको डालेंगे सबसे पहले। तो जब तक तड़का उधर हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, तो तब तक हम ये आलू और जो ब्लैक चने हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। तो आप हाथ की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें पहले आप। मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं हाथ। तो जितने में हमारा मसाला रेडी होता है, तो कुलचे को अंदर से हम काट लेते हैं ऐसे ऐसे कर हम ऐसे कटिंग कर लेनी है इसकी, और ऐसे बीच में मसाला भर लेना है, इतना ही काटना है। तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी हम मिक्स कर रहे हैं आलू में। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच ये नमक डाल रहे हैं हम, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, और 1/2 नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे, और थोड़ी सी डालेंगे, मतलब कि 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं आप। तो इसको भी कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, भर लेने हैं और इसको ऐसे ऐसे दबा देना है। तो हाँ जी, सारे कुलचे हमने भर लिए हैं। मटेरियल उतना ही भरना आप कि बाहर ना आए कुलचे से, अंदर ही रहे, देखिए ऐसे। तो अब हम कुलचे को रोस्ट करेंगे, बटर डाल देंगे और गैस को कर देंगे मीडियम। ऐसे सेक लीजिएगा आप आराम से, बिल्कुल हाथ ना जल जाए। तो हाँ जी, कुलचे हमारे गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मैंने फ्राई किए थे प्याज वगैरह, तो देसी घी ही डाले आप तो अच्छा रहता है वैसे, और घर में ही बनाए इसको, क्योंकि साफ सुथरे जो कुलचे हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो
तो आसान तरीका है, कोई ज्यादा वो नहीं है, झंझट वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छे बने हैं कुलचे। तो ठीक है जी, कुलचे हमारे रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।